हैं चार दूसरे दिन के लिए, और आज हम जा रहे हैं गेस वेयर, बताओ भाई, कारगिल। और 10 बज गए हैं गाइस, और अभी तक हम अब हम लेट हो चुके हैं बहुत। इस बंदे ने बहुत लेट किया है, सो के बोल रहा था सुबह 6:30 बजे उठूंगा, पर उठा ही नहीं है। रजाई से उठा है 8:30 बजे, और 8:30 भी धक्के से उठाया कि भाई क्या सोने दो ड्राइवर को, तुमने 8 बजे उठा दिया, चुप कर रहे ये बंदा, जम्मा ही नहीं उठा। सबसे पहले वो उठा था त्यागी, ये बंदा सबसे पहले उठा था, पर अभी तक नहीं आया है घर में। हम में से एक भी बंदा कोलगेट नहीं लेके आया, जो लेके आया उनको मिल नहीं रही है। मिल गई वे, लाना था तेरे। तो समय आ चुका हुआ है टू हिट द रोड वंस अगेन, और कश्मीर से निकलते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेशन है कारगिल वॉर मेमोरियल, तो निकलते हैं। तो कारगिल जाने के लिए सबसे पहले श्रीनगर से हमें सोनमर्ग की तरफ जाना पड़ता है, जो कि 30-40 किलोमीटर्स है। सोनमर्ग से फिर जोजीला पास को क्रॉस करते हुए, द्रास, गुमरी सेक्टर, कारगिल सब आता है, पर कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास के अंदर पड़ता है, जो कि कारगिल से कुछ 40 किलोमीटर्स पहले आता है। कारगिल वॉर मेमोरियल जो 1999 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, और उसमें जो इंडिया के शहीद जवान हुए थे उनकी याद में बना। तो अभी हमारा सबसे पहला स्टॉप होगा सोनमर्ग, उसके बाद जोजीला पास, फिर हम जाएंगे कारगिल वॉर मेमोरियल। फॉर विजिटिंग जोजीला पास, इंडियन आर्मी रिस्पेक्ट है यार आपके लिए। जोजीला 639 फीट। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जोजीला पास, श्रीनगर लेगा सबसे हाईएस्ट मोटरेबल अभी तक का पास, जोजीला पास, प्रणय हाउस द जोश, जोजीला पास 0.11639 फीट पे श्रीनगर लेगा सबसे हाईएस्ट पास। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं, ये तो हमारा सिर्फ पहला मिशन है ये हमारा। सड़कें तो मतलब जोजीला पास की तो खतरनाक थी, बाकी सारी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। जोजीला पास के बाद रोड कुछ इस तरह की होगी, आपके राइट पे मतलब क्या ही व्यू है यार, मतलब और क्या हवा है, मतलब साथ में ये ब्यास रिवर चलती रहेगी। हेवन ऑन अर्थ इंडिया। कहते हैं ना कि दुनिया में मतलब हेवन, और ये भेड़ हमारे साथ, हमारे ड्राइवर प्रणय गाबा। प्रणय भाई क्या कहना है व्यूज के बारे में? चेक पोस्ट है हमारा, हम पहुंच चुके हैं कहां पे, गुमरी सेक्टर, जोजीला पास करके अब हम द्रास की रोड पे पहुंच चुके हैं,
और द्रास की रोड इतनी ज्यादा सुंदर है ना कि भाई बाय गॉड इतने अच्छे व्यूज है, इतने अच्छे व्यूज इधर, मतलब आप देख देख यार, मतलब क्या ही बताऊं। निकाल ले से आगे घुमरी सेक्टर से कारगिल वॉर मेमोरियल को 20 से 25 किलोमीटर है, तो यहाँ से लगभग 30 मिनट लगेंगे कारगिल वॉर मेमोरियल पहुँचने में। और आज वैसे भी 14 अगस्त है, हम 15 अगस्त वाले दिन कारगिल वॉर मेमोरियल जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे मतलब हमारे जो जवान थे जो शहीद हुए थे इंडिया पाकिस्तान की वॉर में, 15 अगस्त वाले दिन पे वहाँ होना अपने आप में ही बहुत एक मतलब खुशी की बात है कि हाँ 15 अगस्त को हम कारगिल वॉर मेमोरियल पे होंगे, इंडिपेंडेंस डे पे हम कारगिल वॉर मेमोरियल पे होंगे। यहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा जी का स्टैचू और भी जो शहीद हुए थे उन सब का स्टैचू सड़क के दोनों कोने पे है। और 1999 की लड़ाई के बाद ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी ने पाकिस्तान की डेड बॉडीज़ को लेने से मना कर दिया था, तो हमारे इंडियन आर्मी वालों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक मौलवी को बुला के उनकी भी बॉडीज़ इधर इंडिया में ही दफन करवाई थी। तो बात कुछ ऐसी है कि बारिश यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तूफान वगैरह आ चुका है, और अभी मैंने और अनीश ने ये डिस्कस किया है कि अगर बारिश आज अनीश तेज़ हुई तो हम कारगिल नहीं जाएंगे, द्रास ही रुकेंगे, क्योंकि पहली बार ही हम लेह लद्दाख के रूट में गाड़ी चला रहे हैं और इतनी बारिश में आज तक मतलब कभी चलाई नहीं है। ऐसा है कि यहाँ से कारगिल 1.5 घंटा 30 किलोमीटर है, लगेगा 1.5 घंटा क्योंकि अब बारिश है तेज़, अब डिपेंड करता है, आधा घंटा वेट करते हैं कि जा सकते हैं, ठीक है, जा तो सकते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, चलो चांसेस यही है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, क्यों लगता है हम हर पंगा लेके कैसे करना तो कुछ नहीं आ रहा, डंडे के डंडा लेंगे डंडा। भाई साहब बारिश की आवाज़ सुनो आप, जैसे कारगिल की तरफ में तूफान ही आ गए हैं यहाँ पे। मनीष भाई ठंड हो गई है, स्वेटर काम आएंगे। ये बंदा मेरे को बोल रहा था कि स्वेटर ले आए कोई काम नहीं आएंगे। जी भाई अभी तो आगे भी अभी तो ले जाना है, अभी 100 मरी भी जाना है। तो अनीश भाई क्या कहना चाहोगे कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए? बेस्ट फीलिंग एवर। वो जो आपका सामने पहाड़ी दिख रही है ना, जो बिल्कुल पीक्स हैं, वो टाइगर हिल है, और ये जो है ये टोरोलिंग की पहाड़ी है, इंडिया ने जो कैप्चर करी थी 1999 में कारगिल की वॉर के टाइम पे। बारिश बहुत तेज़ हो गई है और जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है वो नॉर्मल मतलब वो इंडिया की ही है, उसका कोई वैसे नाम नूम इन्होंने बताया नहीं है। हमारे कैप्टन 12 जैक राइफल, व्हेन यू गो होम टेल देम एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव आउट टुडे। सही बात है भाई, मर जा मर जा, ये ऑक्सीजन वाला बंदा। और ये हमारा एक बंदा जो बहुत ही ज्यादा नाराज है भाई को हम गाड़ी नहीं दे पा रहे चलाने को। यार मतलब बहुत दुख हो रहा है भाई के साथ, लाइफ इसकी दुख से भरी हुई लाइफ है इस बंदे की। भाई आज मेरे साथ ये रो रहा था कि भाई मेरे को गाड़ी नहीं दे रहा, कार्तिक ने तो कोरी ना कर दिया है, कन्नप पे मेरे को विश्वास, कार्तिक कन्नप पे मेरे को विश्वास था भाई, मगर कन्नप भी नहीं गाड़ी दे रहा। भाई क्या कर सकते हैं आप,
क्यों भाई कार्तिक भाई, कुछ कहना चाहोगे भाई? नो कमेंट। तू वहाँ बहुत आ रहा है कारगिल में आजकल यार, सुनो वो मुंह से वो निकल रही है ना भाई। हाँ। तो कारगिल में हमारा स्टे इस होटल में है, बरूला होटल। इसके लिए है लूला होटल। श्रीनगर लेह के हाईएस्ट पास पे पहुंच चुके हैं, 13,480 फीट पे फोटुला टॉप। तो प्रणय गाबा जी कैसा लग रहा है आपको? जन्नत है, जन्नत। तो कन्हा भाई लेह पहुंचने में रह गया सिर्फ 40 किलोमीटर, कैसा लग रहा है आपको? अंदर की जो ड्रीम थी भाई पूरी हो रही है, धीरे धीरे दिख रही है, तो पहुंच रहे हैं। हमारी जो गुल्लक टूटी है उसका सफर अच्छा रहा है अभी तक। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है भाई, जो भी आ रहा है कपड़े पेटी पैक करके लेके आए। आले गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और फिर चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।